हेलो गाइस, अगर अपना वोटर कार्ड में कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हाउ टू करेक्शन इन योर वोटर कार्ड, यानी कि वोटर कार्ड में आपका जो नेम, एज, एड्रेस, फोटोग्राफ सब कुछ, यानी कि मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ कैसे इसको करेक्ट करनी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वीडियो पसंद आने से वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को बहुत सारे मोटिवेशन देता है ऐसे ही हेल्प अप कंटेंट बनाने के लिए। और अगर पहली बार मेरा चैनल पर विजिट कर रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास खूबी इंस्टेंटली आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद। पहले आप लोग कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ गूगल क्रोम का। तो इधर मैं इंटर गूगल का जो सर्च बार है इधर लिखूँगा NVSP करके, NVSP, आप लोग भी NVSP करके एंटर कर देना, इधर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद इसका जो मेन वेबसाइट का पेज है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर जाकर भी इधर इस पेज में आ सकते हो। तो उसको एंटर करो। एंटर करने के बाद जो लॉगिन है रजिस्टर ऑप्शन दिख रहा है देखो नीचे, इसमें आप लोग एंटर कर दीजिए। मैं इसमें इधर सिंपली लॉगिन और रजिस्टर कर रहा हूँ। उसके बाद जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये आपको कहाँ मिलेगा, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र देखो नीचे शो हो रहा है, इधर ही आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। पहले उसको यूजर नेम और पासवर्ड बना लो, उसको बाद इस पेज में आओ। तो पहले क्या करो, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र इधर एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आपका इधर मोबाइल नंबर देना पड़ता है और कैप्चा कोड फिल करके सेंड ओटीपी ऑप्शन में क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास दोबारा जो पासवर्ड का है उधर दोबारा एंटर करना पड़ता है। आप लोग दोबारा एंटर करके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बना लो। उसके बाद लॉगिन पेज में चला जाओ। लॉगिन पेज पे आके क्या करना होगा, इधर लॉगिन पेज पे आके यूज़र नेम और पासवर्ड को इधर एंटर करना पड़ता है। एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड है इधर कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन जो ऑप्शन दिख रहा है देखो, इस लॉगिन ऑप्शन में क्लिक कर दो। इसके क्या होगा, इसमें आप लोगों को जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का एक आईडी और पासवर्ड मिल गया। तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद देखो लॉगिन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आप लोगों का सामने शो हो जाएगा। इधर जो थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है देखो वोटर पोर्टल, इसी में आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। मैं इधर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग भी इधर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो लॉगिन का ऑप्शन इधर भी क्रिएट एन अकाउंट ऊपर में दिख रहा है, इधर ऑप्शन में क्लिक करके अकाउंट सेम प्रोसेस में आप लोग इधर एक आईडी और पासवर्ड बना लो। उसके बाद मैथ्स को सॉल्व कर लो एंड एंटर कर दो। उसके बाद जो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है देखो, लॉगिन ऑप्शन सिंपली क्लिक कर दो। मैं इधर लॉगिन ऑप्शन में एंटर करके मैं इधर मैथ्स को सॉल्व करके एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद जो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है देखो आप लोगों को, लॉगिन ऑप्शन में मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद लॉगिन ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस शो होगा मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ। ऐसा एक इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद देखो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पहला वाला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है करेक्शन इन वोटर का। पहला वाला ऑप्शन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और दूसरा ऑप्शन करेक्शन इन वोटर कार्ड, मैं इसी में एंटर कर दूंगा। आप लोग भी इधर एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो ऑप्शन शो होगा देखो, उत्पल माय नेम इज वोटर मित्रों, मैं क्या करूंगा लेट स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। सिंपली लेट स्टार्ट ऑप्शन दिख रहा है देखो नीचे, लेट स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। आप लोग भी इधर ही क्लिक कर देना। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप लोग पहले डेस्कटॉप सेट कर लो, करने से आप लोगों को बहुत ही अच्छा शो होगा इधर वीडियो व्यू। उसके बाद देखो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर और यस आई हैव वोटर नंबर, मैं क्या करूँगा मेरे पास वोटर नंबर है तो इसलिए मैं वोटर इसी नंबर में जो डिटेल्स था मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यस आई हैव वोटर आईडी नंबर करके इधर इंटर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद इधर जो वोटर आईडी नंबर है यानी कि वोटर कार्ड का जो नंबर है इधर इंटर करना पड़ता है, मैं इधर सिंपली इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद देखो साइड में दिखा रहा है फेस डिटेल्स जो ऑप्शन, मैं इधर फेस डिटेल ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। आप लोग भी इधर फेस डिटेल ऑप्शन में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऐसा करके इंटरफेस शो होगा, सर्चिंग रिकॉर्ड इन 19 कोर्ट रिकॉर्ड्स प्लीज वेट करके। तो अभी नीचे देखो प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रोसीड ऑप्शन में क्लिक कर देना। मैं प्रोसीड ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ, इधर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा जो वोटर कार्ड का डिटेल्स था तो ऐसा करके शो हो गया इधर, रिकॉर्ड फाउंड वोटर आईडी नंबर के बाद वोटर कार्ड का जो डिटेल्स था। आप लोग भी इधर इस अच्छे से इधर व्यू कर लेना। रिव्यू करने के बाद जो सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है इधर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर करेक्शन ऑप्शन शो हो रहा है देखो, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस और करेक्शन एंट्रीज इन एग्जाइटिंग इलेक्टोरल रोल इशू ऑफ द रिप्लेसमेंट ए पिक विदाउट करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैं क्या करूँगा करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जाइटिंग इलेक्टोरल रोल में ऑप्शन में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपका एक मोबाइल नंबर देना पड़ता है, मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा। मैं इधर सिंपली मोबाइल नंबर में मैंने मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड OTP में क्लिक कर दिया और एक वेरिफिकेशन कोड आने वाला है मेरे मोबाइल पर। तो वेरिफिकेशन कोड जो OTP था आ चुका है, मैं इसको एंटर करके वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप से होगा सक्सेस योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। उसके बाद जो नेम ऑप्शन दिख रहा है देखो, इधर बहुत सारे ऑप्शन आप कार्य कर सकते हो लेकिन एक ही साथ में तीनों ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, उसको ज़्यादा नहीं होता है। तो पहले आप क्या करो, मैं सिंपली नेम को आप लोगों को जो
चेंज करके दिखा देता हूँ। मेरा नेम में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैं नेम के चेंज करके दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर करेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद देखो नेम में सिलेक्ट रख के सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पॉपअप शो हो रहा है या इंटरफेस शो हो रहा है, यस आई हैव आधार नंबर, मेरे पास आधार नंबर है, तो मेरे आधार नंबर को इधर एंटर कर दूंगा क्योंकि आधार कार्ड से डिटेल्स उधर अपने फेज हो जाता है, आपको फिर भी इधर एंटर करना पड़ता है। मैं इसमें आधार कार्ड को एंटर कर रहा हूँ और नीचे शो हो रहा है देखो एंटर द नेम। इधर अपना नेम को इंग्लिश में टाइप कर दो और आपका रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद जो चूज फाइल ऑप्शन दिख रहा है देखो नीचे, इधर आपका जो आधार कार्ड का एक इमेज दे देना है इधर। मैं इधर आधार कार्ड के सेव करके पहले से रखा था इसलिए मैं इधर से ओपन कर लूँगा। और जो फाइल डॉक्यूमेंट नेम उसको यानी कि आधार कार्ड का जो इमेज का है उधर आपका नेम आधार करके लिख एंटर कर देना, लिख देना, रीनेम कर देना इसको, क्योंकि आपका जो फाइल डॉक्यूमेंट नेम वो मैच नहीं होता है तो इसलिए आधार करके एंटर लिखने से वो काम हो जाता है। मैं बहुत बार ट्राई कर लिया हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन शो हो रहा है देखो एंटर द एप्लीकेंट, इधर अपना जो एप्लीकेंट है उधर एप्लीकेंट का नेम इधर एंटर कर देना, अपना नेम एंटर कर देना। मैं इधर उसका नेम एंटर कर रहा हूँ। देन डेट के नीचे जो प्लेस ऑप्शन दिख रहा है, प्लेस ऑप्शन में आप जहाँ से एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसी का एड्रेस उधर एंटर कर दो। एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू जो ऑप्शन दिख रहा है सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कर दो। उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म में आप लोग जो जो डिटेल्स चेंज किए थे ये इसका डिटेल्स इस फॉर्म में है, आप लोग इसको अच्छे से प्रीव्यू कर लो। और एक बात, अपना वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। देखो इस वीडियो को देख लो और आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड लिंक कर लो। और अपना जो फॉर्म नंबर 8 को आप लोग अच्छे से प्रीव्यू करने के बाद आप लोगों को हिसाब से कोई भी गलत हो जाता है इसको एडिट भी कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। नीचे ऑप्शन एडिट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो ऑप्शन है सबमिट, इसी सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर दो। मेरा जो फॉर्म था मेरा सही सही किया था इसको मैं सबमिट कर दिया हूँ, तो मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। और सबमिट करने के बाद जो ऑप्शन शो होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो थोड़ा टाइम लग रहा है बॉस, इधर सबमिट होने का थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा जो एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और मेरे को रेफरेंस नंबर भी मिल गया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए से वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।